अरे चेक कर लो उसे बंद कर दो कूलिंग तो तुम्हारी सब बाहर चली जाएगी क्या त्रुटि मिली है एक चीज तो आप सभी लोग ये ध्यान दें जब क्लास में मैं नहीं होती हूं यहाँ पर तो आप पोडियम पे आते हैं या बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं या ये नोट्स को छेड़ते हैं आप जानते हैं ये मेरे लिए किसी देवी देवता से कम नहीं है और जिस तरह से मैं इनका सम्मान करती हूँ उस तरह से आपको भी इन चीजों का सम्मान करना है तो यहाँ पे जो आते हैं ना कहते हैं इस जगह पे जहां मैं खड़ी हूं यहाँ पे आने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है और बहुत एक कहते हैं अपने अंदर बहुत कुछ खोना और बहुत कुछ तैयार करना पड़ता है तो इस चीज का सम्मान करो कहते हैं जो आपका लीडर होता है आप उसकी कुर्सी पे तब तक नहीं बैठते जब तक वो स्वयं आपका राज्यभिषेक न कर दे तो ये ध्यान रखा करो जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं, आप लोगों को हो सकता है कि आपके जीवन में वो चीजें सिखाई ना गई हो आपको बताया ना गया हो लेकिन मैं आपको बताती हूँ ये बात याद रखना कभी भी कहते हैं ना कि हम अपने पिता की पद्मी तब तक नहीं लेते जब तक हमारा पिता खुद हमें उस जिम्मेदारी को खुद नहीं सौंपता और हम हमेशा इज्जत करते हैं तो इस तरह से ध्यान रखो जैसे मैंने अपने जिन गुरु से सीखा है और कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो लोग वो जब भी कभी आउट ऑफ दिल्ली गए तो उन्होंने मुझसे कहा कि निधि मेरे पीछे सारी जिम्मेदारी तुमको संभालनी है और अब तुम्हें देखना है तो यानी कहने का मतलब है अपना पूरा काम धाम अपना सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ के गए उसके बावजूद भी मैं कभी उनकी चेयर पे नहीं बैठती थी एक और मेरे साथ में थे वो जैसे ही सर नहीं हैं तो मौका देखते ही जब भी सर बोलते थे कि तुम्हें संभालना है तो सर की चेयर पे बैठ जाते थे लेकिन एक बार उन्होंने ऐसे देखा कि एक मीटिंग थी मीटिंग अटेंड करनी थी तो मैंने सर की चेयर को साथ में किया और दूसरी चेयर लेके बैठ गई तो उस समय उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि आपने क्यों नहीं आप इस चेयर पे क्यों नहीं बैठी जबकि आप तो चाहती है जीवन में कि इस तरह से पाना तो मैंने कहा मैं अपना बनाना चाहती हूँ किसी दूसरे की हथियाना नहीं चाहती पहली चीज दूसरी चीज जिस इंसान से मैं सीख रही हूँ उसने अभी मेरा कोई राज्यभिषेक नहीं कर दिया उस पोस्ट के लिए उस पद के लिए उस चेयर के लिए कहने के लिए छोटी सी बात है क्या फर्क पड़ता है अगर चेयर पे बैठ गए या ये चीज हो गई लेकिन फर्क पड़ता है जो नैतिकता होती है मायने जो होते हैं आदर्श जो होते हैं सिद्धांत जो होते हैं वो सारी चीजें इन्हीं से तो आप मानव बनते हो तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और हम जब इनका सम्मान करते हैं और ये देखिए जीवन में कि मुझे नहीं पता कब मेरा अपना एक अच्छा ऑफिस बन गया मेरे उन गुरु से ज्यादा बेहतर ही वो बोलते हैं कि मेरे मेरा शिष्य तो आज आग मुझसे आगे निकल गया तुम्हारा ऑफिस मुझसे भी बड़ा हो गया तो बात यही है कि हाँ मैंने सपना जरूर सजाया कि मुझे भी ये कुर्सी चाहिए ये पोजीशन चाहिए ये सारी चीज़ें लेकिन मैंने कभी किसी की हत्या नहीं की कोशिश नहीं की या उस पर ऐसे देख के कि दूसरे की चीज़ों पे जाके अपने सपने सजाना जीवन में कभी ऐसा नहीं करना चाहिए अपने दम पे करो और याद रखना जो चीज़ अपने दम पे की गई है ना उसका कुछ मजा ही अलग है और जो अपने दम पे करते हैं ना मेहनत करके अपनी हाँ ऐसा होता है हर किसी के जीवन में एक गॉड फादर होता है जो आपकी मदद करता है आपको उस रास्ते तक पहुंचाता है आपको वहाँ तक लेके जाता है तो जीवन में इस गॉड फादर का हमेशा सम्मान करो उसका रेस्पेक्ट करो पर यह कभी नहीं सोचो कि हम किसी की चीज को ऐसे हथिया लें या इस तरह से कर ले ठीक है तो याद रखना जीवन में मुझे नहीं पता कि आपको कभी इसमें किसी ने आपको इस तरह से समझाया हो या नहीं ये आपको समझना है मुझे समझाया था किसी ने तो मैंने आपको समझा दिया ऑनलाइन क्लास में एक छात्र पूछ रहे हैं कि मैम पढ़ और पढ़ में क्या अंतर है शब्द है पढ़ और पढ़ इस पढ़ का मतलब है जिसे आप पढ़ना कहते हैं रीड ठीक है और ये पढ़ जब कहते हैं कि गिर पढ़ना ठीक है उसके लिए आता है दोनों में अंतर है ये पढ़ ये पढ़ दोनों में अंतर है ये अल्प्राण है ये महाप्राण है ठीक है उच्चारण में भी अंतर आता है ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप पूछते हैं मुझे हंसी आती है कि स्कूल में क्या किया था जाके स्कूल के अंदर पढ़े थे कि स्कूल के बाहर स्कूल के पीछे चलो आज हम लोगों को पढ़ना है यण स्वर संधि चलो देखो हम लोगों ने कल लास्ट क्लास जब की थी तो उसमें हमने ये जाना था कि अभी तक की जो हमारी तीन संधियां हैं उनमें हमने कौन सा नियम लागू किया था प्रेम का नियम ठीक है आज से हमारा जो नियम लागू होगा वो कौन सा होगा घुसपैठिया नियम अब ये घुसपैठिया नियम और प्रेम का नियम क्या है तो कल मैंने आपको बताया था कि जब अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिलकर दोनों एक ही वर्ण का निर्माण करते हैं ठीक है तो इसको हमने नाम दे लिया था अपनी याद रखने के लिए कि प्रेम का कैसे प्रेम का कैसे तो एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति दोनों मिलकर एक हो जाते हैं प्रेम में हम एक हो जाते हैं ठीक है जो तेरा है वो मेरा है जो मेरा है वो तेरा है है ना ऐसे मानते तो ये दोनों एक हो गए अब इसके बाद जो दूसरा नियम हमारा आ रहा है घुसपैठिया नियम प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण दोनों का मेल होगा लेकिन परिवर्तन इसमें होगा ये परिवर्तित होगा लेकिन जो यहाँ पर वर्ण है वो सेम टू सेम आ जाएगा तो ये जो नियम हमने यहाँ पर देखा जिसमें हमने कहा याद रखने के लिए घुसपैठिया नियम के घुसपैठिया आया हमारे सैनिक को पता चल गया उसने इसको मार पीट के बोला कि बोल भारत माता की जय और भारत के ही गुणगान गाने हैं तो उसको क्या बना दिया इंडियन बना दिया ठीक भारती है भारतीय बना दिया और कहा अब लेकिन इसको डाउट है कि अगर मैं इससे दूर गया तो ये फिर से अपने मूल रूप में आ जाएगा तो ये इसलिए इसके साथ निगरानी पे आ जाता है और जैसे ही ये हटेगा ये वापस अपने मूल रूप में आ जाएगा जब हम संधि विच्छेद करेंगे इसमें तब यही होगा ठीक है तो ये इसी को हमने लिया घुसपैठिया नियम चलो तो अभी इसको समझते हैं इसमें अब हम बात करते हैं अच्छा एक चीज और समझिए जैसे अभी तक हमने देखा कि जो हमारा अंतिम वर्ण था इस अंतिम वर्ण पर हमने अभी तक ए या आ को रखा ठीक है अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इस अंतिम वर्ण पर हमारी कोई ई या ई आ जाए या ऊ या ऊ आ जाए या ए हो जाए तब फिर हमारा कैसे परिवर्तन होगा वो हम देखेंगे तो यण संधि और अयाधि संधि में हम इसी चीज को देखते हैं कि जो हमारा अंतिम वर्ण है उस पर ए आ को छोड़कर कोई दूसरा वर्ण होता है और तब उसमें विकार जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है तो चलो हम लोग लिखेंगे इसकी परिभाषा यण संधि में हमें लिखना है लिखिए यदि किसी यदि किसी ईओ या री का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है भिन्न स्वर का मतलब क्या है भिन्न स्वर का मतलब है कि जो पहले स्थान पर आ गया उसके अलावा कोई और ठीक है सेम टू सेम नहीं होगा भिन्न स्वर से होता है तो उत्पन्न विकार तो उत्पन्न विकार क्रमशः ई का अब इनको दृढ़ चिन्ह में बंद करिएगा ठीक है ई का य ऊ का वा। तथा री का र हो जाता है तथा साथ आने वाला भिन्न स्वर जुड़ जाता है इसे यण स्वर संधि कहते हैं इसे यण स्वर संधि कहते हैं यदि किसी ई उ -उ या री का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो उत्पन्न विकार क्रम सह ई का य उ का व तथा री का र हो जाता है तथा साथ आने वाला भिन्न स्वर जुड़ जाता है इसे यण स्वर संधि कहते हैं उतार लिया ये सभी लोगों ने अब देखो इसके नीचे हम चार्ट बनाएंगे हमने कहा है कि अंतिम वर्ण पर या तो कोई ई हो या कोई उ, उ हो या कोई री हो और इन सबका मेल किससे हो रहा हो किसी भिन्न स्वर से हो रहा हो तो उत्पन्न विकार क्या होगा जब इनका आपस में मेल होगा अब देखिए ध्यान रखिए हम जो यहाँ पर जब भी चार्ट बना रहे हैं अपना तो हम एक तीर लगा रहे हैं ये तीर ये जो हम साइन लगा रहे हैं इन साइन का मतलब क्या है इन साइन का मतलब ये है जो हमने अभी लगाया इसका मतलब है कि दोनों आपस में मिलेंगे जब दोनों आपस में मिलेंगे तो परिवर्तन दोनों का एक नहीं होगा पहला जो हमारे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है उसी में परिवर्तन आएगा तो परिवर्तन केवल किसका होगा इसका होगा तो हम इसी तरह से लगा रहे हैं इसीलिए हमने एरो लगाया है पहले हम करते थे तो हम रिजल्ट किस में लिखते थे यहां नीचे तो इससे हमें पता चल जाता है कि दोनों एक हो जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे हम इसी के नीचे लगा रहे हैं मतलब वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है तो ई e हमारा किस में बदलता है य में बदलता है और उ -उ किस में बदलता है व में बदलता है और री किस में बदलता है में बदलता है यहां तक किसी को कोई परेशानी आराम से समझ में आ रहा है। अब मुझे ये बताइए कि इनके नीचे हल क्यों लगा है क्योंकि इनमें स्वर नहीं है ये व्यंजन अपने वास्तविक रूप में आए हैं यहां पर स्वर है इस स्वर ने अपने आप को परिवर्तित किया है किसमें व्यंजन में ठीक है और आपको याद होगा ये वे व्यंजन हैं जिनको हमने अर्ध स्वर कहा था अर्ध तो स्वर हमने क्यों कहा था इसी कारण से कहा था क्योंकि ये संधि में क्या होते हैं परिवर्तित होते हैं ठीक है पर संधि में हमारे जो स्वर हैं वही इनमें परिवर्तित होते हैं अब ये हमने लिख लिया अब इसके बाद जो हमारा दूसरे दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो वैसा ही आ जाएगा ठीक है ये पुनर्वृक्ति का चिन्ह है तो पुनर्वृत्ति का चिन्ह का मतलब क्या है जो ऊपर लिखा है वही दोहराया जाएगा तो ये आपका फॉर्मूला बन गया इसको आपको याद रखना है यण स्वर संधि के लिए यण स्वर संधि के लिए याद रखें इसकी संधि विच्छेद के लिए रखें ऑनलाइन में एक छात्र कह रहा है कि यण संधि में हल लगेगा देखो पहले तो आप लोग ना अपनी खोपड़ी को ना बिल्कुल कंट्रोल में रखो और ये बात याद रखो कि आप लोग हिंदी पढ़ रहे हो संस्कृत नहीं संधि जब लिखी जाती है उसमें जब संस्कृत में तो वहां पे लगता है हल और याद रखना हिंदी भाषा के अंदर किसी भी शब्द में हल नहीं लगता जैसे बहुत सारे शब्द हैं जैसे लिखते हैं राजन शब्द लिखते हैं उसमें हल लगा देते हैं संभवते में हल लगा लेते हैं या अर्थात में हल लगा लेते हैं याद रखिएगा हिंदी भाषा में हल नहीं लगता किसी भी शब्द के अंत में ये हिंदी का अपना गुण है अगर आप इसको संस्कृत की तरह ही पढ़ेंगे तो संस्कृत के सिर्फ़ ये नहीं और भी गुण और भी बहुत सारे जैसे बहुत सारे संस्कृत शब्द के अंदर लास्ट में आपको ये माँ दिखाई देगा ये लगता है बहुत सारे शब्दों के अंत में आपको ये विसर्ग लगता है तो फिर आप सारे शब्दों में लगाइए जब आप संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत शब्दों को पढ़ते हैं वहाँ पर आप जल लिखते हैं तो आप जल को जल नहीं लिखते आप या तो जलहा लिखते हैं या जलम लिखते हैं और इसी तरह से पढ़ते हैं हिंदी में क्यों नहीं किया इसको हिंदी में इसलिए नहीं किया क्योंकि संस्कृत भाषा से हमने उसको हिंदी भाषा में हम लेकर आए हैं आप शब्द लिखते हो अग्नि लिखते हो संस्कृत में तो आप अग्नि नहीं लिखते या तो आप अग्नि अग्निम इस तरह से करके हम या तो इस तरह से लिखेंगे या फिर इसको अग्निहा लिखेंगे इसके अलावा और आप नहीं पढ़ सकते संस्कृत भाषा जो छात्र जानते हैं उस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जब हमने इस अग्नि शब्द को हिंदी में रखा तो हमने इसके अंदर जो शब्द जो पहचान संस्कृत की है उस पहचान को हटाकर इसको किस में रखा है हिंदी में रखा है और हिंदी की पहचान ये है कि इसमें कोई माँ या लास्ट में इस तरह से कुछ नहीं लगेगा ये नहीं लगेगा शब्द इस तरह से आएगा ये रूप होता है तब आपका ये तत्सम शब्द कहलाता है समझ गए जल को हम इस तरह से नहीं लिखेंगे नया से नया से हिंदी भाषा में तो जब हम इनको नहीं लिखते तो फिर हम इसको क्यों लिख रहे हैं अब आप भविष्य आपको पढ़ाते हैं काल पढ़ाते हैं लोग तो भविष्यत लिखते हैं अरे बोलते हो आप ये बताओ बोलते हो आप भविष्यत को जल्दी कैसे बोलेंगे भविष्यत तो आपके मुंह में रह जाएगा सुनाई भी नहीं देगा सामने वाले को <coughs> तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप लिखते हैं आपको आज तक किताबों में संस्कृत का व्याकरण पढ़ा रहे हैं लोग संस्कृत के शब्द पढ़ा रहे हैं उनकी कथनी और उनकी लेखन दोनों में अंतर होता है आप देखेंगे बहुत सारे लोग ये शब्द लिखते हैं ये क्या है शब्द और बहुत सारे लोग बोलते हैं एक शब्द लिख रहे हैं हम शब्द, शब्द, शब्द। पूरे लेक्चर में आपको सबद सबद बोलते हैं कभी आप उनको बोलते हैं कि सर ये बताइए पहले तो ये शब्द है कि सबद है बोलते हैं लोग तो ऐसे मत पढ़िए और इस तरह से मत चलिए कि जो आपको दिख रहा है लोगों को आप बार बार एक ही बात मैं आपको बोलती हूं कि हिंदी जो है वो आपकी जो लिखी जाती है वही बोली जाती है और जो बोली जा रही है वही लिखी जा रही है तो इसको समझ लो सच कहूँ मैं इतने अग्रेशन में आज क्यों बोल रही हूँ इस चीज़ को मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ इतनी किताबें देखती हूँ रात दिन बस एक ही बात देख रही हूँ मुझे यह लगता है सच कहूँ मैं कोई बहुत बड़ी विद्वान नहीं हूँ या कहीं से अवतरित हुई मैं कोई देवी या परमात्मा आत्मा कुछ नहीं हूँ इस तरह की कि मैं कोई दिव्य शक्ति हूँ लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि जो चीजें स्पष्ट रूप से हमारे विद्वानों ने लिख दी और पुरानी किताबों में जब वो लिख के गए बता के गए हैं तो आजकल के इतने घनचिककर आदमी कैसे हो गए कि उनको बात समझ में नहीं आती कि उन्होंने लिखा क्या है कुछ भी लिख के छाप रहे हैं बन रहे हैं अपने आप को विद्वान बन रहे हैं आपको टीचर समझ में ही नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हैं क्या लिख रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं बात यही चीज है कि हिंदी को मत बिगाड़ो भाई अब हमारे देश में क्या है मुझे इस तरह की चीज क्यों आ रही है क्यों इस तरह के मैं गुस्से में बात कर रही हूँ इन सब चीजों से कल परसों की बात है एक मीटिंग हो रही थी हो रहा था कि कांस्टेबल ये जो लेखपाल का बैच आने वाला है सॉरी ये लेखपाल के बाद जो अगले आपकी सीट आने कांस्टेबल वाली के बैच बनाना है इसके लिए तो टीचर की डिसाइड कर रहे थे तुम क्या पढ़ाओगे तुम क्या पढ़ाओगे तो वहां पे बोला कि अच्छा तुम क्या तुम्हारा कौन सा अरे तुम्हारे सारे सब्जेक्ट कमजोर है तुम हिंदी पढ़ा लो इतना तेज गुस्सा है मतलब जिसके सारे सब्जेक्ट कमजोर है वो हिंदी पढ़ा लेगा मतलब हिंदी को आपने इतना आसान समझ लिया है क्या कि जो मतलब अनपढ़ गवार है जो है वो हिंदी पढ़ा लेगा यही तो हमारी कमजोरी हो गई हमने क्या किया हमने ये किया है कि जो हिंदी बोल रहा है मतलब अनपढ़ गवार है जो हिंदी पढ़ा रहा है मतलब अनपढ़ गवार है तो सच बताती हूं। मैं विरोध करती गंवार ऐसे लोगों का जो यहाँ पे लिखते हैं मैंने ऐसे देखा है मैं ये नहीं कहती पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं समझा रहे हैं बच्चों को अच्छी तरह से समझा रहे हैं लेकिन मैंने टीचरों को देखा है मैं शब्द लिख के जा रहे हैं नहीं शब्द लिख के जा रहे हैं इस तरह से मानती हूं कभी कभी होता है हम जब पढ़ाते हैं हम पढ़ा रहे हैं और लिख लेखन में किसी शब्द में गलती हो जाती है कई बार ऐसा होता है हमारे दिमाग में कुछ और है हम यहाँ कुछ और लिख जाते हैं लेकिन जो शब्द कॉमन है आप हर बार उनको गलतियां कॉमन कर रहे हैं कॉमन गलती कर रहे हैं तो फिर वो आपकी अनजाने से हुई गलती नहीं है वो आपकी अज्ञानता से हुई गलती है समझ रहे हो ना तो बात यही चीज है खैर मैं ये नहीं कहती बस बात यही है कि जब मैंने ये सुना कि इस तरह से बोला डायलॉग कि यह हिंदी पढ़ा लेंगे मुझे इतनी तेज गुस्सा आया यकीन मानिए कि अंदर से कहते हैं ना कि तन बदन में आग लग जाना बिल्कुल एकदम मुझे इतनी तेज गुस्सा आया और इस तरह से लगा कि क्या समझ क्या रखा है यार हिंदी को अब हिंदी आप देख रहे हैं पढ़ रहे हैं संधि इतना आसान नहीं है संधि को समझना या संधि को पढ़ना और या देखना तो खैर चलो आगे बढ़ते हैं तो हमने यहाँ पे चार्ट देखा आपको बात समझ में आई जो चार्ट मैंने समझाया अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें अब इसमें आपको समझना क्या है वो समझ लीजिए तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह की कंडीशन बन गई ये आपको पता है पहली कंडीशन हमारी क्या बन रही है पहली कंडीशन हमारी बन रही है कि यदि किसी ई या ई का मेल किससे हो रहा है किसी भिन्न स्वर से हो रहा है ठीक है तो ये जो हमारी ई है ये किस में बदल रहा है य में बदल रहा है और ये भिन्न स्वर हमारा कैसे आ जा रहा है इसके साथ सेम टू सेम आ जा रहा है ठीक है यही हमारी क्या है यण संधि है अब इसमें हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं एक बार आगे बढ़ने से पहले इससे कि हमारे कोई डाउट ना रहे हैं इसमें तो मैं यहाँ पे लिखती हूं आप मुझे बताते जाना कि यानी इसके कहने का मतलब क्या है इसके कहने का मतलब ये है कि यदि किसी ई या ई का मेल किसी अ से हो रहा है ठीक है तो ये ई किस में बदलेगा य में बदलेगा और ये जो अ है ये इसके साथ क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा ठीक है जब ये इस तरह से आ जाएगा तो इनका फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा यह हो जाएगा बात समझ में आ गई अगर मान लो हमने इस ई का मेल हमने किसी ओ से किया तो हमारा रिजल्ट क्या होगा तो भी हमारा क्या होगा यह आ जाएगा यहां पर यह ई तो किसमें बदलेगा यह में और जो ये भिन्न स्वर है ये इसके साथ क्या हो जाएगा ऐसे ही जुड़ जाएगा तो यहां पे हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा यो। इसी प्रकार अगर हम देखें इस ई का मेल करते हैं और यहाँ हमारे पास जो वर्ण आता है ए आ जाता है भिन्न स्वर में तो इसका रिजल्ट क्या होगा यह हो जाएगा यहाँ पर यह क्या हो गया भिन्न स्वर आ गया और फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा बात समझ में आ रही है ना इसी प्रकार मान लो हमने यहाँ पे वर्ण लिखा हमारा ऊ आ गया और इसका मेल हो गया ये इसमें बदल जाएगा और यहाँ पे भिन्न स्वर और ये हमारा क्या हो जाएगा यू हो जाएगा इसी भांति अगर हम इसका मेल ई से करें और इस तरह से ये हमारा वर्ण यहां आ जाएगा और यहां पर हमारा ये वर्ण और ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा तो बात समझ में आ गई अब सभी लोगों को किसी को कोई डाउट किसी को कोई डाउट अरे तुम लोगों को समझ में नहीं आई बाकी बताओ शांत हो जाओ समझ में आया कि नहीं फिर दोबारा से समझा दू किसी को कोई गलती तो नजर नहीं आ रही <laughs> क्या गलती नजर आ रही है ना वही करेंगे। आपको जल्दी, से, जल्दी जल्दी करा के, के हाँ ठीक है निकल जाए ये गलती आप परीक्षा में करने वाले थे लेकिन यहाँ पे ही कर लो ताकि फिर याद रहे हमने कहा है भिन्न स्वर जब हमने भिन्न स्वर कहा है तो यहाँ पे क्या है हमारा या ई है और इस ई या ए का मेल किसी ई से होगा तो क्या में परिवर्तित होगा नहीं तो ये क्या होगा ये ई या ए का मेल होगा तो क्या होगा यही समस्या आ रही थी क्या आ रही थी ना? मैंने कहा है कि मेरे साथ साथ चलो एक कदम पीछे चलोगी तो भी दिक्कत है और एक कदम आगे चलोगे तो भी दिक्कत है तो हमें क्या समझ में आया हमें ये समझ में आया कि जब हम यण संधि करेंगे नहीं जब हम यण संधि करेंगे और इसमें जो हमारा ये चार्ट यहां पे बना हुआ है तो हमें ये पता है कि इसमें या, या यू यू ये यो अब इसमें ये या यो ये सब आएंगे रिजल्ट लेकिन जो रिजल्ट नहीं आएगा वो क्या होगा यी और ये।, ये रिजल्ट हमारा किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा समझ गए ना क्यों क्योंकि ये ऐसा कोई नियम लागू ही नहीं होगा सेम सेम होते ही क्या हो जाएंगे वो दीर्घ स्वर में चले जाएंगे बात समझ में आ गई ना चलो इसका उदाहरण देख लेते हैं उदाहरण हमने कल ही किया था उस शब्द को उसी शब्द को हम लेंगे अति प्लस अधिक अब पेन मत चलाना अब ध्यान देना इधर तो शब्द आ गया हमारा अति प्लस अधिक अंतिम स्वर क्या है ई आ कह रहे हैं। आ कौन बोला और प्रथम शब्द क्या है अ इन दोनों का मेल करेंगे तो उत्पन्न विकार देखो तीर अब हमारा चेंज हो रहा है इन सब का प्रयोग किया करो जब आप लिखते हो तीर बनाते हो तो विनिम बनाया करो तो इस ये बदलेगा किस में य में और ये इसके साथ निगरानी करने के लिए आ जाएगा यहाँ पे बचा हुआ टुकड़ा आ जाएगा ठीक है यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया अत बच गया जो त तो हमारा हल के साथ क्योंकि इसका ई बाहर निकाला था हमने अब हम इसको जोड़ देंगे ये जो अ है इस य को पूरा करता है तो ये य पूरा हो गया अब ये त तो और य इनके बीच में तो कोई स्वर है ही नहीं जब इनके बीच में कोई स्वर नहीं है तो इसको सहारा तो य का स्वर ही देगा तो मतलब त तो आधा रह जाएगा तो त तो हमारा आधा रह गया और ये हमारा बचा हुआ टुकड़ा अब ध्यान रखना कई बार दिमाग में आता है कि म, मैम यहाँ पे भी तो आ गया वो तय नहीं पूरा करेगा तो याद रखना पीछे मुड़ के कभी नहीं जाएगा वो जो होगा अगर इसके आगे कोई वर्ण होता उसको पूरा करता लेकिन पीछे की तरफ नहीं जाएगा तो ये इस तरह से दिमाग में मत लाना ठीक है इसके बाद यहाँ बचा हुआ टुकड़ा जोड़ देंगे हम और शब्द क्या हो गया हमारा अत्यधिक ठीक है उतार लो अब इसे वर्णों पर सुरेखा बनाया करो वर्णों पर सुरेखा अब पूरा नहीं ध में तोड़नी है पहले सही लिख रखा था अधिक में जब आप छोटी क्लास में थे तब आपके जो हिंदी के टीचर थे उनको आपसे बहुत सारा अभ्यास करवाना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं करवाया और जिन्होंने किया होगा उनके लेखन बिल्कुल सही होंगे हिंदी में लेकिन जिन्होंने नहीं करवा करवाया तो उनको ही लेखन में परेशानी होती है हम्म बात भी सही है उतार लिया ये चलो आगे बढ़ते हैं अब इस बात को आप समझ चुके हैं जो हमने यहाँ बताया तो इसी तरीके से इसमें भी भिन्न स्वर की अगर हम बात करेंगे तो हमको पता है कि ऊ का मेल अ से होगा तो ये ऊ किस में बदलेगा व में और ये अ इसके साथ आ जाएगा और जो रिजल्ट हमारा वह बन जाएगा ठीक है इसी क्रम में आ के साथ मेल करेगा तो वह हो जाएगा ई के साथ अब देखो ये आप कहेंगे कि मैम पहले तो इसने ई के साथ मेल नहीं किया यहाँ पे ई के साथ क्यों मेल कर दिया तो इसलिए क्योंकि ये ऊ है और ये ई है तो दोनों क्या है भिन्न है तो इसलिए यहाँ ई के साथ मेल करके क्या बनाएगा वी बनाएगा इसी तरह से बड़ी ई के साथ करके वी बनाएगा अब यहां पर ध्यान देना है कि अब ये ऊ उ, उ के साथ मेल नहीं करेगा अगर ये ऊ उ, उ के साथ मेल करेगा तो क्या हो जाएगा ये दीर्घ हो जाएगा तो आपको याद रखना है कि इस वाले नियम के अंदर यानी जो ये हमारा दूसरा नियम है इसमें जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो और वो, ये कभी नहीं आएगा ठीक है इसमें ये रिजल्ट नहीं आएगा बात समझ में आ गई अब इसमें जैसे मान लो यहां पे हमने ये दिया है तो ये रिजल्ट भी होगा ऐसे मत सोचना कि जैसे मान लो मैंने ये दे दिया कहेंगे कि ये होगा कि नहीं होगा और यहां पर वो जब लगेगा यानी ओ और ये लगेगा तो हो जाएगा ठीक है ये हमारे होंगे अब इसमें हम उदाहरण देख लेते हैं जैसे मान लो शब्द लेते हैं हम शब्द है हमारा मधु प्लस आचार्य अंतिम वर्ण क्या है लिखो मत ध्यान दो इधर छोटा उ और प्रथम वर्ण क्या है आ तो हम देखेंगे अ और उ और आ। दोनों का मेल करेंगे तो ये किस में बदलेगा व में बदल जाएगा ये आ इसके साथ आ जाएगा टुकड़ा क्या बचा टुकड़ा यहां उतार लिया यहां पर ये क्या बचा ध आधा रह गया ठीक है उतार लेंगे इसको इसके आगे इसे पूरा करेंगे ये आ इस व को पूरा करेगा तो ये क्या हो गया व हो गया टुकड़ा उतर गया यहाँ पर और यहाँ ये ध आधा रह गया तो आधा बना लेंगे और शब्द क्या हो गया हमारा मध्वाचार्य ठीक है उतार लो आप मधु मतलब शहद और आचार्य मतलब गुरु वो गुरु जो शहद की तरह है गुरु भी शायद की तरह है मैं अरे हर टाइम तो मैं रस में रहती हूं ये इसलिए बताया था जैसे यहाँ पे ये और ये आ गया इसके साथ अगर आय के साथ कभी मेल होगा तो ये आएगा और ओ के साथ होगा तो ये आएगा एक स्टेप मैंने नहीं लिखा है वो आप अपने आप लिख लेना आज तक आपने संधि में शब्दों को केवल रटा था संधि नहीं पढ़ी थी बस हा? नाम सुना था अब आप समझ रहे हैं और ध्यान रखिए जैसे मान लो मध्वाचार्य अगर आपको किसी ने उच्चारित किया तो अब आपको ये नहीं जानने की जरूरत कि मध्वाचार्य लिखा कैसे जाएगा आपके दिमाग में अपने आप आपको पता है मध्वाचार्य मतलब मधु प्लस आचार है जैसे ही बोलेंगे मधु प्लस आचार्य ये जो बीच में जो कुछ भी हुआ है ये आपके दिमाग में अपने आप फटाफट फटाफट घटके नीचे शब्द आ जाएगा मध्वाचार्य ठीक है इस तरह से और मैं इसीलिए आपसे अभ्यास करने के लिए कह रही हूं कि इसी समय अगर आपने अभ्यास करा तो याद रखिए ये मैं गारंटी दे सकती हूं कि अपने पोतों को आप अपने आप पढ़ाएंगे हम्म हाँ जी पोते आपके बेटे का बेटा ठीक है तो यानी जब बुढ़ापे में तो वहां तक याद रहेगा और आप कहेंगे देखो हम सब कुछ भूल गए जीएस भूल गए मैथ भूल गए रीजनिंग भूल गए पर हिंदी आज भी याद है तो हा क्या बोल रहे हो क्या कह रहे पिता चलो पूरा यार बोला करो तो पूरा बोला करो फिर ऑनलाइन वालों को भी बता के उन्हें भी हंसाते हैं <coughs> देखो टीचर होना इतना आसान नहीं होता कल बस गलती से रात में मन कर रहा था आइसक्रीम खा ली आज गला फंस रहा है कुछ नहीं खा सकते हम कुछ भी नहीं ना जूस पी सकते ना कोल्ड ड्रिंक और ये सब तो अरे अरे दूर से फ्रिज का पानी नहीं पी सकते गर्मी पड़ती है आप कहते अरे चिल्ड पानी पिए हम नहीं, नहीं पी सकते नहीं पी सकते भाई गले में खराश बनने लगती है दही नहीं खा सकते मठा नहीं खा सकते कुछ नहीं <laughs> तो आसान नहीं है टीचर का जीवन चलो देखो अगला तीसरा पॉइंट लेते हैं हम फटाफट एक बार थोड़ी सी बात इधर उधर की करो इतना रस लेते हो कि पढ़ाई छोड़ के तुरंत भाग जाते हो वापस आओ क्लास में हम री का मेल करेंगे भिन्न स्वर से तो जो री है ये में बदलेगा और भिन्न स्वर वैसा का वैसा ही आ जाएगा तो यहाँ पे भी हम देखेंगे री का मेल अ से हो रहा है तो बन जाएगा री का मेल आ से हो रहा है तो रा हो जाएगा री का मेल ऊ से हो रहा है तो रू हो जाएगा बड़े ऊ से तो रू हो जाएगा ए से आ रहा है तो रे हो जाएगा औ से आ रहा है तो रऊ हो जाएगा और फिर वही अगर आप इसके साथ आय लगाते हैं तो रहे हो जाएगा और अगर आप ओ लगाते हैं तो रो हो जाएगा ठीक है अगर ऐसे शब्द होंगे तो अब ये ध्यान रखिए ऐसा भी हो सकता है कि इन संधि में आपको किसी भी नियम के दो या चार ही आपको शब्द देखने को मिले या कोई ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको शब्द देखने को ही ना मिले तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि एक इसका उदाहरण दे दो एक उसका उदाहरण दे दो अरे जितना कम से कम मिल रहा है उतना अच्छा कि ज्यादा पीछे भागोगे तो ज्यादा से ज्यादा वाले जो शब्द हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे संस्कृत के अंदर मिलेंगे हमने यहाँ पे उन्हीं शब्दों को लिया है जिन शब्दों को हम अपनी हिंदी में बोलते हैं ठीक है हम अपनी डेली बोलचाल में जो बोलते हैं उन्हीं शब्दों को हमने लिया है बाकी उन उदाहरणों को नहीं लिया जो संस्कृत भाषा में होते हैं और हमारी परीक्षा में भी नहीं आते हैं आ, हमारा उद्देश्य यहाँ पे पहला क्या है हिंदी सीखने का हमारा उद्देश्य क्या है हमें परीक्षा में अंक चाहिए ठीक है कम से कम पढ़ना हो और ज्यादा से ज्यादा अंक मिल जाए तो इसलिए हम पीछे नहीं भागेंगे तो बात समझ में आ गई अब इसमें उदाहरण ले लेते हैं जैसे मान लो एक उदाहरण लेते हैं हमने शब्द है हमारा पित्र पित्र का मतलब क्या है पिता ठीक है प्लस आज्ञा तो इसको हम देखेंगे अंतिम वर्ण हमारा क्या है री प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है री द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है आ दोनों का मेल करेंगे ये री किस में बदलेगा र में बदलेगा यहां पर अ आ, आ जाएगा साथ में और बचा हुआ टुकड़ा आ जाएगा यहां पे हमारे पास क्या बचा त तो हल के साथ बचेगा ठीक है अब हम इसको जोड़ देते हैं ये जो अ है इस र को पूरा करेगा र हो गया यहां पर जो हमारे पास बचा है ये आ जाएगा अब ये जो त तो है तो आपको ये पता है कि र के साथ कभी भी किसी वर्ण का प्रयोग ऐसे नहीं होगा ऐसे हम आधा नहीं लिख सकते त की जगह अगर च भी आएगा तो आप च ऐसे नहीं लिख सकते तो कैसे लिखते हैं आप तो आप हमेशा ऐसे लिखते हैं कि अगर मान लो त आपका वर्ण आ गया और उसके पीछे ये त आधा है तो र इसके नीचे पदेन रूप लेता है पढ़ा है हमने र का मान लो अगर हमारा च आ गया ये आधा है तो इसके नीचे पदेन रूप लेगा अगर ज वर्ण है आधा है तो ऐसे नहीं बनेगा वो इसके नीचे आके पदेन रूप लेगा तब हमें पता चलेगा कि ज वर्ण हमारा आधा है और र पूरा है तो यहाँ पे हमारा ये पूरा है तो हम इसे देखेंगे मतलब त जो है या तो आप हल्के साथ लिखिए इसको और फिर इस तरह से तो आपको यहाँ पे पता चला कि ये जो शब्द है हमारा इसमें त वर्ण हमारा आधा है और वर्ण हमारा स्वर के साथ है यानी पूरा है तो ये अब संयुक्त अक्षर का रूप बनाएंगे और संयुक्त अक्षर कैसे बनेगा तो आधा त और पूरा र आपको पता है कि आप इसे या तो इस तरह से लिखते हैं या फिर आप इसे इस तरह से लिखते हैं जो त तो से त्रिशूल आपने पढ़ा है उसमें क्या है आधा त और र ही तो है तो आप चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे या तो आपने ऐसे लिख दिया या फिर आप इसका संयुक्त रूप बनाकर आप इसे इस तरह से लिखेंगे पित्राज्ञा और ये शब्द में जो आपके शब्द हैं ये सारे शब्द आपके जैसे मात्राज्ञा पित्राज्ञा भात्राज्ञा या मात्रादेश, पित्रादेश भात्रादेश ये चार पांच शब्द हैं ऐसे और इसमें आप देखेंगे तो कॉमन आपको त्र ही मिलेगा दिखने को ठीक है यही आता है उतार लो अब इसे होमवर्क जरूर पूरा करना जो दिया जा रहा है और जिस रफ में कर रहे हो वो रफ़ लेके आनी है संधि तक मेरा मन करेगा जिस भी दिन मैं उस दिन की क्लास में चेक कर लूँगी अब ये बहाना मैं न सुनूं कि मैं जब चेक करने लगूँ मैम करा तो है पर घर रह गई है ना तो ये नहीं और अगर ऐसा है तो करने के बाद अपने मोबाइल में फोटो खींच खींच के रख लो वजन ही नहीं रहेगा हाँ तो स्कूल की याद तो दिलाती हूँ मैं जब पढ़ रहे हो आप स्कूल के जैसा तो स्कूल की याद नहीं आएगी नहीं तो फिर बेंच पे खड़ा कर दूंगी नहीं तो मुर्गा बना देंगे जो काम नहीं करे। हाँ? सावन चल रहा है तो सावन में मुर्गा नहीं बनते क्या अच्छा हाँ ये भी एक लॉजिक रहता था सावन में हमारे टीचर पीटेंगे नहीं वो इसलिए क्योंकि वो शिव की पूजा करते थे व्रत रखते थे हमारे जो टीचर हुआ करते थे मैंने थोड़ी ना व्रत रखा है मैं तो पीट सकती हूँ मैं तो पीट सकती नहीं मैं मूर्ति पूजा में यकीन नहीं करती मैं कहती हूं कि अपनी आत्मा को कष्ट देकर परमात्मा को आप कैसे पा सकते हो अपने अंदर की आत्मा की पूजा कर लो परमात्मा अपने आप मिल जाएगा व्रत रखो भोजन से नहीं व्रत रखो किसी को गाली गलौच करने से व्रत रखो किसी के साथ छल कपट करने से व्रत रखो दारू से व्रत रखो सिगरेट से व्रत रखो अत्याचार से, इनसे व्रत रखो हम किसी को बुरा नहीं बोलेंगे अपनी जीप पर कंट्रोल देखो सही देखा जाए तो व्रत का मतलब था जीप पर कंट्रोल और जीप पर कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि अनाज नहीं खाना है फल खाने हैं जीव का कंट्रोल कि आप अपने मुख से ऐसा कुछ नहीं उच्चारित करेंगे कि किसी को कष्ट पहुंचाए लेकिन बात यही है कि हम ठहरे आज बाजारवादी जो मन किया वैसे धारा मोड़ ली अपने अकॉर्डिंग है ना ये चलो उदाहरण देखो अब जल्दी से बताओ फटाफट से ये आपका दिया आदि प्लस अंत बराबर आद्यंत है करके दिखाओ जल्दी फटाफट अगर किसी को परेशानी हो रही है तो जल्दी बोले ऐसे करके देखना है आद्यंत आता है कि नहीं कहीं आद्यंत की जगह कुछ और तो नहीं आ रहा लास्ट में जगह है आपकी बगल में लिख सकते हो लास्ट में जहां पे संधि है संधि के बाद एक पेज खाली होगा देखो संधि खत्म हो रही है जहां पर है एक्स्ट्रा यहां नहीं दूसरे पेज पे लिखो वहां संधि विच्छेद आप बताओ आद्यंत आ गया ना बस खुश हो जाओ और अगर किसी का आद्यंत की जगह कुछ और आ रहा है तो टेंशन वाली बात है क्यों आदित्य टेंशन हो रही है अरे लिखते तो सही है आगे आधा ही छोड़ दिया पूरा तो करो कम से कम पूरा करने के बाद फिर विचार करो याद करो वर्तनी वाली क्लास रहस्य छिपा है वर्तनी की क्लास में जब तीन क्लास कराई थी रहस्य की बात बताई थी वहां पर ऑनलाइन वाले छात्र बताइए हो गया कि नहीं हुआ किसी को दिक्कत सबका हो गया सब की तरफ से आंसर नहीं आया हो गया अरे शर्म मत करना कहते हैं जिसने करी शर्म उसके फूटे करम याद रखना जीवन में तीन लोग होते हैं आपके जिनसे आपने कुछ भी चीज नहीं छुपानी चाहिए वो तीन लोग कौन एक डॉक्टर एक टीचर यानी गुरु और एक वकील अगर आपने इनसे कोई भी राज छिपाया तो वही नैया डूब जाएगी अगर आपने डॉक्टर से अपने अंदर जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं अगर कोई भी सिम्टम्स छिपाया तो वो समझ नहीं पाएगा कि आपको क्या दवा देनी है तो आप बीमार रहेंगे स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और अगर कुछ कांड कर दिया है और वकील को नहीं बताया और वकील आपकी तरफ से लड़ रहा है आपने उसको रहस्य बताया नहीं आप रहस्य से बताया आपको लग रहा है अगर इसको बता दूं कि मैंने ही कांड किया है तो मुझे जिताएगा कैसे अरे नहीं आपसे ज्यादा सातिर हुआ है उसको अपने क्लाइंट को जिताना ही जिताना है उसका क्लाइंट मासूम ही होता है चाहे कितना ही आपको और बताएगा अरे ये काम ऐसे किया था अगली बार करना होता है ऐसे मत करना ऐसे करना आपको कानून सिखाएगा और तो फिर आपने बता दिया तो कहेगा कि अब अगर तुमसे कोई कुछ पूछे तो ऐसे नहीं ऐसे बताना आप कहोगे भाई काम तो ऐसे ही हुआ था अरे छोड़ ना किसने देखा कोई है गवाह नहीं है तो ठीक है जो मैं बता रहा हूं वो बताना जी तो आपको बचाने के लिए करेगा और टीचर अगर आपने टीचर से छिपाया तो फिर वो आपको बता नहीं पाएगा वो सोचेगा कि आपको आ गया और आपको आएगा नहीं परीक्षा में फिर समझ गए तो ये याद रखना जीवन का रहस्य ऐसी बातें कभी कभी निकलती हैं देखो <laughs> चलो जिनको दिक्कत हो रही है शब्द है हमारा आदि प्लस अंत सबसे पहले तो अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस लेके आओ अंतिम वर्ण क्या है छोटी प्रथम वर्ण क्या है अ दोनों का मेल करेंगे ये बदलेगा य यह में यहां पर अ आ, आ गया यहां पर टुकड़ा आ गया इसके बाद यहां पर बचा टुकड़ा आद जोड़ दीजिए ये इस या को पूरा कर देगा यह जोड़ दिया आधा द आ गया है ये आ गया और इसके बाद बचा हुआ टुकड़ा लेकिन मैम ने तो बताया है कि ये लिखा हुआ है आद्यंत तो टेंशन किस बात की है ये इसका संयुक्त रूप ही तो है पढ़ा नहीं था क्या बस लिख दो डर किस बात का समझ गए बस डरना क्या है जब आपको संधि आ गई है एक बार तो फिर डर किस बात का आप अपना दिमाग चाचा चौधरी से तेज ना चलाओ तो उनके साथ चला लो कि आपने संधि में जब आपने वर्तनी पढ़ी थी वर्तनी की दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था द का रूप द का संयुक्त वर्ण रूप और द के संयुक्त वर्ण रूप में हमने देखा था कि यदि यदि हमारा द आधा आता है और इसके बाद कोई यह पूरा आ जाता है तो इसका संयुक्त रूप ये हो जाता है और इसका उच्चारण है जैसे हम पढ़ते हैं विद्या तो ये आपका विद्या है ना कि विद्या ठीक है तो ये विद्या है इसी से बनेंगे आपके विद्या विद्यालय विद्यार्थी ठीक है इस तरह से बात समझ में आ गया बस आसान है कुछ नहीं है इसमें चलो आगे बढ़ते हैं यादी स्वर संधि फटाफट से लिखते हैं अब यहां पे हमने देखा कि प्रथम जो हमारा शब्द है उसका अंतिम वर्ण वहां पर ई ई और री आया है तो ऐसा भी हो सकता है कि ए ओ आउ आ जाए तो हमारा रिजल्ट क्या होगा यदि किसी यदि किसी ए ओ आओ का मेल किसी स्वर से होता है देखो अब यहां पे स्वर होगा अब भिन्न स्वर नहीं है ठीक है किसी स्वर से होता है तो उत्पन्न विकार तो उत्पन्न विकार क्रमशः ए का आय आय का आय औ का अव तथा आउ का आव हो जाता है तथा साथ आने वाला स्वर तथा साथ आने वाला स्वर जुड़ जाता है इसे आयादी संधि कहते हैं डरने की आवश्यकता नहीं है थोड़ी डरावनी जरूर लगती है पर आपके पास दो रास्ते हैं एक तो आप उन शब्दों को ही याद कर लो जिनमें आधी संधि है दस बार आए हैं केवल हाँ जी हिंदी के अंदर जो पूछे जाते हैं या फिर आप सूत्र को याद कर लो आसान आसान तरीका है ठीक है मिटा दूं इसको लिखे सूत्र आगे चलो इसका कहना क्या है वो समझो इसने कहा है कि यदि ए आए, ओ या याओ इनका मेल किसी भी स्वर से हो रहा है तो रिजल्ट क्या होता है जब ये आपस में मेल करते हैं तो ये जो है ये हमारा बदलता है आय में ठीक है ये बदलता है आय में ये बदलता है अव में और ये बदलता है आव में बाकी ये जो हमारा है सेम टू सेम आ जाएगा ये हमारा फॉर्मूला है इसको याद रखना अब बस थोड़ी सी टेंशन ये होगी कि ये आय आय अव आव, आव। किस में कौन सा आएगा हमें ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा ऐसा लगेगा पर पहले इसको उतारो फिर आपको बताती हूँ संधि विच्छेद हम कल की क्लास में करेंगे ठीक है अभी हमने पांचों संधि सीखी है पहले संधि करना सीखा है और संधि विच्छेद तो आप चुटकी बजाते हुए कर लेंगे कुछ नहीं है उसमें बस संधि सीख लो ये फॉर्मूला याद रखो पांचों जो दिए हैं इसी से पहचान भी हो जाएगी और इसी से संधि विच्छेद भी और संधि तो हो ही रहा है उतार लिया ये आपने अब आप देखो सबसे पहले इसको याद रख लो ये चीज रहेगी आपके दिमाग में कि पता नहीं कैसे याद करेंगे तो इसे ऐसे याद रखना है आपको पता है ये पहले नंबर पे आता है ये पहले नंबर पे ये दूसरे नंबर पे जब आप स्वर लिखते हैं है ना इसको लिखते हैं तो ये पहले नंबर पे और ये दूसरे नंबर पे जब इसको लिखते हैं ऐसे ही हमारे पास दो वर्ण हैं एक है अ और एक है आ जब आप इसको लिखते हैं तो पहले नंबर पे आता है और ये दूसरे नंबर पे तो इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं या इसमें भी लग रहा है या इसमें भी लग रहा है जो पहले नंबर पे आ रहा है उस पर पहला नंबर जो दूसरे नंबर पे आ रहा है उसका दूसरा नंबर ठीक है वह इसमें भी आ रहा है वह इसमें भी आ रहा है ठीक है याद रखना है जो पहले नंबर पे आ रहा है वो पहला नंबर और जो दूसरे नंबर पे आ रहा है वो दूसरा नंबर याद हो जाएगा हम्म और वह में क्या अंतर आ रहा है दोनों में तो वह आ ही रहा है अच्छा उसके लिए तो उसके लिए भी आपके पास तरीका है याद करो स्वरों का संयुक्त वर्ण जब स्वरों में हमने याद किए थे संयुक्त स्वर तो आपको याद है कि हमारा जो संयुक्त स्वर था ए प्लस ई e मिलके क्या बना था ए बना था इतना याद है और ए प्लस मिलके उ तो क्या बना था ओ ये बना था ठीक है समझ गए ना इतना समझ गए अब आपको पता है, अभी अभी आपने याद किया कि ई किस में बदलता है यह में अभी, अभी अभी याद किया कि ऊ किस में बदलता है वह में तो ये इसके साथ मन रहा है ये इसके साथ मन रहा वर्णों का गेम है और कुछ नहीं है मैंने पहले ही कहा वर्णमाला अगर नहीं आती तो संधि समझना आसान नहीं है और यहाँ पे एक ऐसा तरीका है कि आपको कुछ याद नहीं करना बस एक चीज याद करनी है संयुक्त वर्ण जो संयुक्त स्वर थे कैसे बने बस उतना याद करके अब जिनका मैथ थोड़ा सा तेज होगा तो उनके दिमाग में चल गए होंगे अच्छा ये ऐसे ओ ये तो वहां से वहां तक लिंक है इसका ओ हो अब तक सब कुछ आ गया होगा आप इसे देख सकते हैं मनोरंजन के लिए बताती हूं जिनको समझ में आए जिनको ना समझ में आए डरना नहीं है इसका रूप बताती हूँ ठीक है जिनको मैथ में थोड़ी सी परेशानी है समस्या है वो अगर ना समझ में आए तो डरना नहीं है कि ये कैसे आया ये उन इंटेलिजेंट छात्रों के लिए है जो अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं और अभी तक यहां समझ नहीं पाए उनको समझाने के लिए है तो ये कहते हमें अपने आप को कहना चाहिए भाई हम तो एवरेज हैं हम कोई इंटेलिजेंट नहीं है, है ना तो जो एवरेज होता है ना याद देखो जीवन में एक बात याद रखना और आगे अपने देखेंगे जो फर्स्ट बेंच पे बैठते थे वो अब तक उनका सारा काम हो चुका होगा शादी ब्याह भी और वो अपने पिता के व्यापार को संभाल चुके होंगे है ना और जो पीछे बेंच पे बैठता है वो अभी पढ़ रहे हैं पर वो आगे देश संभालने वाले हैं। है ना आपको पता है वो आगे देश और जो एक बिल्कुल ही बेंच पे पीछे बैठता है जो हमेशा कुटते थे वो उन देश संभालने वालों को संभालने वाले हैं क्योंकि वो नेता बनने वाले हैं। समझ रहे ना और एक ऐसे होते हैं जो कभी कभी दर्शन देते हैं और जब दर्शन देते हैं तब कुटते हैं पिटते हैं तो उन नेताओं का अपने चरणों में वो संभालने वाले हैं बाबा बन के तो उन बाबा के चरणों में नेताजी भी बाबा जीतना है इस बार तो इसलिए कभी भी अपने आप को एवरेज कहने में सर महसूस मत करना है ना जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं अपने आप को उनकी बुद्धि बस वहीं तक चलती है एक रहस्य आपको बताती हूँ जीवन का जो बचपन में जितना ज्यादा शैतान है वो उतना ज्यादा बड़ा आदमी बनता है बड़े होके और जो बचपन में जितना ज्यादा बस पढ़ने में जो बता जो पढ़ा दो वो रट लिया वो उतना ही ज्यादा बुद्धू हो जाता है तीस साल की उम्र के बाद जब उसकी शादी हो जाती है उसे फिर बीवी चलाती है के करना है नहीं करना है वो करना है हाँ वो ऐसे ही चलता है हंसी वाली बात नहीं है वास्तविकता है आपने जीवन में देख लेना आगे है ना ऐसा क्यों होता है इसके पीछे भी ना साइंस का एक रीजन है आप जिस समय बच्चा खेल कूद की उम्र में था आपने उस पर रटन विद्या की इतनी ज्यादा नहीं मेरा बच्चा होशियार होना चाहिए रटो किताब रटो अब उसका दिमाग बस वहीं लग गया हमारा दिमाग विकसित होता है बाहर की दुनिया को देखकर जो बच्चा अपने खिलौने को एक दिन नहीं रखता एक दिन आया तभी तोड़फोड़ कर दिया समझ लेना पक्का कि बड़े होके इंजीनियर बनेगा ये क्योंकि उससे उसके अंदर जिज्ञासा ये चल कैसे रहा है घूम कैसे रहा है डमरू कैसे बजा रहा है उसे वो जानना है और उसके दिमाग में जब तक ये चीज चलती है वो अपनी मर्जी से जानने की कोशिश करता है तो आगे वो वैसे ही बढ़ता है अगर हम कहें कि खिलौना तोड़ देता है चल बैठ के पढ़ तो उसका दिमाग वहीं पर रुक गया अब वो क्या करेगा बस रटेगा वो समझेगा नहीं तो आपने बाबा रनछोड़ दास की बात सुनी होगी ना तो उनकी बात को मानो और वो सही कहते थे अब देखो ध्यान दो यहां पे हमने कहा है ये जो हमारा बदला ना में इससे घबराना नहीं है जिनको ना समझ में आए छोड़ देना ये बस खेल कूद की चीज है कैसे आप पहचान रहे इसको <coughs> जब आपने इसको बनाया था याद है आपने ए प्लस ई का मेल ए और जब आपने इसको बनाया था तो आपने कहा था ए प्लस ए प्लस ए बराबर i ये था ना तो आप देखो आपने जब इसको बनाया तो इसकी जगह आप ये मान रख सकते हैं यहां तो आप यहां पे रख लो ए प्लस ई बराबर ए मतलब हम ये बना सकते हैं आ गया ना अब आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले ये जाना यहां पर फिर से लिख देते हैं प्लस ई e. तो आपने जाना कि जो हमारा ई e है ये ई किस में बदला य में बदला तो इसके आगे अगर आप इस अ को लिख दें, तो ये बराबर यही तो है दिख रहा है यहां पर आप इसकी जगह ये लिख दें और आपको याद है ये ए और ए मिलके क्या बन रहा है आ तो ये बराबर यही तो है ऐसे ही तो मान रखते हैं एक्स वाई का यहां से लेके वहां वहां से लेके वहां मान लो बस होता कुछ नहीं है मान के ही चलते हैं सब तो बात समझ में आ गई ना तो जिनको समझ में आ गया उन्हें समझ में आ चुका होगा कि कैसे इसीलिए कहते हैं हम हिंदी को यो हमारी देवनागरी लिपि है वैज्ञानिक लिपि याद रखिए हिंदी तक पहुंचते पहुंचते तो इसके बहुत सारे नियम बहुत सारे तथ्य जो हैं वो आधे हो चुके हैं अगर हम इसका बिल्कुल स्टार्टिंग इस पॉइंट को देखेंगे जहां पे संस्कृत और वैदिक संस्कृत हमारी चलती है तो हर पॉइंट अपने आप में कुछ ना कुछ इसी तरह का नियम लेके चलता होगा और ये नियम आप देखते हैं रटने की जरूरत नहीं है मैथ की तरह चलता है इसीलिए नहीं कहा गया इसको वैज्ञानिक लिपि वैज्ञानिक लिपि इसलिए कहा गया क्योंकि प्रूफ होती है अब ये बताइए प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ ठीक है तो जिन छात्रों को नहीं समझ में आया कि कैसे मैथ की वजह से छोड़ दो ये कुछ नहीं था ये मनोरंजन था बस और कुछ नहीं आपको बस इतना पता है आपको बस इतना पता है कि आपको इसे ऐसे याद रखना है समझ में आ गया चलो इसका उदाहरण कर लेते हैं फटाफट से आगे जैसे पहला उदाहरण हमारे सामने दिया हुआ है <coughs> ए का मेल अगर हम किसी भी स्वर से करते हैं तो यहाँ पे हमारा कोई भी स्वर आ सकता है हमने एक एक उदाहरण लिए जो बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं ठीक है इनका रिजल्ट आ जाएगा हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं जैसे हमारे पास शब्द है ने प्लस अन तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा ये संस्कृत का है और इस संधि के अंदर क्या होता है कि इसमें उपसर्ग यानी मतलब धातु और प्रत्यय ये जुड़ते हैं इसमें शब्द नहीं होते यह है धातु धातु का मतलब होता है क्रिया संस्कृत भाषा में हम क्रिया को धातु कहते हैं धातु क्रिया का मूल रूप होता है जिस रूप में क्रिया जन्म लेती है तो इस ने का जो अर्थ है वो अर्थ है देखना ठीक है देखना से अब हम देखते हैं क्या शब्द बनता है प्रत्यय बनाकर अंतिम वर्ण है हमारा ए प्रथम वर्ण है अ दोनों का मेल होगा ये किस में बदलेगा आए में ठीक है ये जो अ है ये यहां उतर जाएगा और यहां पर बचा ये टुकड़ा उतार लेंगे यहां क्या बच गया हल के साथ बचेगा ये ठीक है अब आवाज कम हो गई क्या बात है लगता है आपने संधि से संधि को ज्यादा ही हल्के में ले लिया था अब नाराज हो गई है संधि तो थोड़ा सा डरने की एक्टिंग करो कि हाँ हम डर रहे हैं तो समझ में आ जाएगी अब इस अ को इसे ये पूरा मतलब इस अ ने इस न को पूरा कर दिया ना हो गया इस अ ने या को पूरा कर दिया या हो गया ये ना यहां आ गया शब्द क्या हो गया नयन और नयन का मतलब क्या होता है आंख आंखें क्या करती है देखने का काम तो धातु का अर्थ इसमें निहित है समझ गए pulau उतार लिया ये, ये हम्म तो पर थी 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 बहुत सावधानी से अंतिम वर्ण है ये ये प्रथम वर्ण है ठीक है ये बदला है इस पूरे रूप में समझ गए नियम के अनुसार ऊपर वाला है अन्न का हिस्सा ये देखो ये ये वाला हिस्सा है और ये ये वाला हिस्सा है ठीक है ये इन दोनों ने आपस में मेल किया जो परिवर्तन है वो ये परिवर्तन आया है परिवर्तन जो हुआ है वो पूरा का पूरा परिवर्तन हुआ है ये जब ये परिवर्तन हो गया तो ये तो वो वर्ण है ना जो निगरानी रखने के लिए आएगा जो निगरानी रखने के लिए आया है पिछले शब्द का जो द्वितीय शब्द है उसका पहला वर्ण है ना ये वो नहीं मिला है ये बात याद रखना वो नहीं मिला है आप ऐसे ये नहीं मिला है ये बात याद रखना यहां अगर इस की जगह ई होगा तो भी यही आएगा जैसे मान लो हम उदाहरण ले लेते हैं इस तरह का जैसे शब्द है हमारा एक मिनट अगर देखती हूं इसके अलावा कोई उदाहरण है तो इसमें नहीं है इससे दूसरे में मिलेगा ठीक है दूसरे वाला ले लेते हैं हम जो हमारा दिया हुआ है ए वाला इससे अगले वाला पॉइंट इसको अभी ऐसे समझ लो अपने पास लिख लिया है ना फिर समझा दूंगी मैं दूसरा ले ले लो जैसे यहां पे हमारा दिया है शब्द है हमारा गय प्लस इका ठीक है ये समझ में आया अब इसको लिखेंगे हम अंतिम वर्ण क्या है हमारा आय प्रथम वर्ण क्या है ई जब ये दोनों मिलेंगे तो ये क्या उत्पन्न करेगा आय क्योंकि अब ये दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर वाला ठीक है तो इसने अपना उत्पन्न किया आय ये आ गया अब जो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है वो निगरानी रखने के लिए आएगा ना उसके पीछे या नहीं आएगा हम हम नियम पढ़ रहे हैं और नियम नियम का पहला क्या है कि जो अम, पहला वर, जो अंतिम शब्द अंतिम वर्ण आ रहा है ना प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण परिवर्तन उसका होता है अब चाहे वो एक वर्ण में बदले दो वर्ण में बदले तीन वर्ण में बदले उससे हमें कोई लेना देना नहीं है आ, उसके मारने पीटने से हो रहा है इससे उस पर क्या फर्क पड़ रहा है वो उसके दो कर दे काट के दो हिस्से कर दिए क्या दिक्कत है आप रूढ़ मत होइए उस चीज पे इसको समझने की कोशिश करिए ये वर्ण और ये वर्ण मैंने आपको पहले ही इस तरह की चीज बताई है कि ताकि आपको इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो जब ये घुसपैठिया आया और ये सैनिक ने देखा तो दोनों आपस में मिले तो दोनों आपस में मिलने का मतलब ये नहीं है कि बैठ के बातचीत कर रहे हैं लड़ाई हो रही है इनकी ये इसकी कुटाई कर रहा है और कह रहा है कि बता तू हिंदुस्तान की ठीक है थेके? तो इसने इसका परिवर्तन किया है याद रखो मैं यहाँ पे गोल और यहाँ गोल और यहाँ चौकोर क्यों कर रही हूं क्योंकि वो परिवर्तन दिखा रही हूं और ये यहाँ पर ऐसा ही आ रहा है ये स्वयं आएगा ही इसकी पिटाई करने से इसमें परिवर्तन हुआ है लेकिन ये भी इसके साथ आएगा ही आएगा बात समझ में आ गई ना तो यहाँ पर जब ये दोनों मिले हैं तो इसका परिवर्तन इसके साथ हुआ है इसका ही आ गया इसमें अभी तक आप जो पढ़ रहे थे संधि उसमें आपने ये कहा पढ़ा कि ये उसके साथ मिलके आ रहा है दोनों वर्ण अलग अलग तो रह रहे हैं चलो क्लास को कंप्लीट करती हूँ तुम बैठना ठीक है बाकी सबको समझ में आ रहा है ना क्या मैटर है चलो चलो पहले बाकी सब लोग देख लो इनको अलग से समझाएंगे तो ये किस में बदलेगा आप सभी लोगों को पता है किस में बदलेगा आय में बदलेगा यहां पर जो बचा है ये आ जाएगा और इसका जो टुकड़ा है वो आ जाएगा अब यहां पर आपके पास क्या बच गया था ये हल के साथ अब इसको पूरा कर दीजिए ये जो आ है इस ग को पूरा करेगा तो ये क्या हो गया ग और ये ई किसको पूरा करेगा य को और ये हो गया गाय का ठीक है उतार लो हा शाम हाँ, को पांच बजे मिटा दूं इसको आगे बढ़ते हैं अगला हमारा दिया हुआ है तीसरा पॉइंट ओ का मेल किसी भी स्वर से हो रहा है तो ये किसमें ओ बदलेगा किसमें ओ में और स्वर उसके साथ ऐसा कैसे ही आ जाएगा तो जैसे शब्द हम देखते हैं शब्द हमारा हो गया यह भी धातु है और यह भी हमारी क्या है प्रत्यय है ठीक है अब हम देखते हैं इसका मेल क्या होगा अंतिम वर्ण क्या है ओ और प्रथम वर्ण क्या है अ दोनों का मेल होगा तो ये किस में बदलेगा अब देखो ये पहले नंबर का है तो पहले नंबर का लेगा तो क्या बदलेगा अव ठीक है और यहां पर ये जो अ है ये आ जाएगा और यहां बचा हुआ टुकड़ा आ जाएगा यहां पर हमारे पास क्या बच गया प और जो कि हल के साथ अब इसको जोड़ देंगे हम ये अ इस प को पूरा करता है ये अ इस व को पूरा करता है और ये न शब्द क्या हो गया पवन उतार लो उतार लो उतार लिया चलो आगे बढ़ते हैं अगला शब्द है हमारे पास अब इसमें आपको पता है औ आ जाएगा औ का मेल स्वर के साथ होगा तो ये किस में बदलेगा आव में बदलेगा अब देखेंगे ये शब्द है हमारा श प्लस अक दोनों का मेल करेंगे अंतिम वर्ण क्या है औ प्रथम वर्ण क्या है अ दोनों का मेल होने पर यह किसमें बदलेगा दूसरे नंबर का है तो दूसरा नंबर लेगा आ वो जाएगा ये किसमें आ गया अ में यह आ गया यहां पर बचा हुआ टुकड़ा हो गया क यहां पर क्या बच गया श और ये श के साथ जोड़ दीजिए अब इसको ये आ इसको पूरा करेगा सा ये आ इस व को पूरा करेगा व और क जुड़ जाएगा शब्द क्या हो गया शावक शावक कहते हैं शेर के बच्चे को ठीक है शो का मतलब होता है शक्ति ताकत ऑनलाइन में छात्र ने पूछा है कैसे पता चलेगा कि किस शब्द का संधि बनेगा तो ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारी आयादी संधि है इसमें बहुत गुने गिने चुने शब्द हैं जब हम संस्कृत में जाते हैं तो बहुत सारी लिस्ट हमको मिलेगी आ, शब्दों की देखने की लेकिन जो हिंदी है हिंदी में हमारे पास गिने चुने हैं तो फिर हम वही एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं हमें कोई संस्कृत का विद्वान नहीं बनना तो हम हिंदी पर ही फोकस करेंगे तो जितने उदाहरण आपके दिए हुए हैं उन उदाहरणों में जैसे देखो अगर मान लो आपको लगे दिक्कत आ रही है तो ये कुछ उदाहरण हैं आपके जो परीक्षा में आए हुए हैं इन उदाहरणों को याद रख लो गे प्लस अख तो गायक हो गया गे प्लस इका गायिका हो गया गे प्लस अन गायन हो गया ने प्लस अख नायक हो गया ने प्लस इका नायिका हो गया नौ प्लस इक नाविक हो गया प प्लस अक पावक हो गया ठीक है प प्लस इत्र पवित्र ने प्लस अन प्लस अन पवन भो प्लस उक भावुक से प्लस अन सैन और शो प्लस अक शावक इससे का अर्थ होता है नींद सोना से हो जाएगा इसका अर्थ होता है शक्ति से प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है ठीक है इस भौ का शब्द होता है भावनाएं इस पौ का अर्थ होता है जो पौ है जिसका अर्थ होता है साफ साफ से साफ सुथरा ठीक है इस नो का मतलब होता है खेना तो जैसे चलाना हम नाविक बोलते हैं ना जब खेता है इस ने का मतलब होता है जैसे हम गाने के लिए कहें गाना ठीक है या गाना सॉरी नाचना ठीक है और जो ये गे है इसका अर्थ होता है गाना गीत से तो इसमें सब में धातु लगी हुई है क्रियाएं लगी हुई है क्रियाओं से क्रिया करने वाले के बारे में पता चला हुआ है ठीक है तो ये बात समझ में आ गई तो देखो ध्यान दो यहाँ पे आपकी जो संधि है वो समाप्त हो जाती है आ, कौन सी संधि स्वर संधि इसमें आपको पहचान के लिए जो पांचों हमारी संधि दी हुई है वो लास्ट में आपको याद करनी है क्योंकि कल की क्लास में हम करेंगे संधि विच्छेद अब जितना हमने सीखा है जो जोड़ा है अब इसको तोड़ेंगे तो तोड़ने के लिए आपको याद क्या होना चाहिए वो आपको ध्यान रखना है तो आपको याद होना चाहिए जैसे पहला चार्ट है कि जब दीर्घ संधि की बात होगी तो ए ए के मेल से आ बनेगा ई ई के मेल से ई बनेगा ऊ के मेल से ऊ बनेगा ये याद रखना है गुण संधि के लिए याद रखना है यदि किसी ए आ का मेल किसी ई से होता है तो ए उत्पन्न होता है ए आ का मेल यदि किसी से होता है तो ओ उत्पन्न होता है और यदि ए आ का मेल किसी री से होता है तो अर उत्पन्न होता है याद रखना है वृद्धि संधि के लिए हमें याद रखना है कि यदि किसी ए आ, आ का मेल किसी ए से होता है तो वृद्धि है तो वृद्धि वाला तो वृद्धि वाला वर्ण आ जाएगा ए आ का मेल किसी ओ से होता है तो वृद्धि संधि है तो वृद्धि वाला ठीक है संधि यण स्वर संधि की हम बात कर रहे हैं तो ई का मेल किसी भी भिन्न स्वर से होता है तो ई बदलता है य में का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो उ बदलता है व में और री का मेल अगर भिन्न स्वर से होता है तो री बदलता है र में और जो ये भिन्न स्वर है वो उसके साथ जुड़ जाता है और अयाधी संधि में हमने ये देखा कि इनका मेल किसी भी स्वर से होता है यहाँ तक कि इनके समान स्वर से भी जैसे मान लो इस ए का मेल अगर ए से होता है तो भी यही परिवर्तन आएगा बात समझ में आ गई ठीक है तो इसके साथ इसका मेल अगर होता है तो ए किस में बदलता है आए में आए किस में बदलता है आए में ओ बदलता है आव में, और आउ बदलता है आव में। और इसको याद रखने का तरीका मैंने बताया वन नंबर टू वन टू और आपको पता है ए वन और आ टू वन और टू तो इस तरह से याद रखेंगे आप नंबर डाल के जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको पता है ए आई होने पर और औ होने पर व क्योंकि इसमें ई का अंश है तो य में बदलता है इसमें ऊ का अंश है तो व में बदलता है जो आपने अनुसंधि में याद करा क्यासे? देखो आपको मैं बता देती हूं, अगर ये इस तरह से मिलता है ए और ए मिलता है तो इसके मेल में क्या होगा ये बदलेगा आपका आय में ये आ गया आय में ये और ये इसके साथ सेम टू सेम आ जाएगा तो ये जो आपका आएगा तो ये हो जाएगा आ ठीक है इस तरह से आ जाएगा और ये अब इसका उदाहरण मत पूछना क्योंकि हिंदी में इसका उदाहरण नहीं है इसके उदाहरण जो है वो संस्कृत में ही है तो आपको इतना टेंशन नहीं अच्छा है नहीं आ रहा तो उतना तो तो, है ना इतना दिमाग लगाना पड़ेगा नहीं तो तो अगर आपको किसी को ये लग रहा है कि अयाधी संधि थोड़ी सी हमें कठिन लग रही है याद रखने में तो आप उन जो चार पांच आपके शब्द हैं उन शब्दों को याद रख लीजिए किसका मेल किससे हो रहा है क्योंकि संधि विच्छेद उसमें पहचान आती है और इसके अलावा आप जैसे दिया है नहीं तो नियम जब आप समझ जाते हैं और जब आपकी परीक्षा में प्रश्न जिस प्रकार से आता है तो प्रश्न ही आपको उत्तर छाटने में मदद करता है क्योंकि ऊपर प्रश्न होगा नीचे ऑप्शन होंगे तो जब आपको समझा हुआ है तो उत्तर देने में आपको कोई परेशानी नहीं होती है ठीक है तो आज के लिए ये करते हैं फिर हम कल मिलते हैं अब टाइम हो गया है आप शब्दावली कल करेंगे अपना समझ के जाना अरे बच्चा